हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हमारे इंग्लिश मीडियम की 11th क्लास के चैप्टर सेल डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेल के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहूंगी कि सेल जो आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर हमारी सेल डिवीजन से पढ़ने से पहले हम सेल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम तुमने पढ़ा है कि सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बॉडी स्ट्रक्चर बनाने का काम भी कौन करती है, सेल करती है। और बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं, वो एक्सक्रीशन हो या उसका डाइजेशन हो, सारा काम जो है वो किसके पास है, सेल के पास है। तो सेल क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाने का और बॉडी के फंक्शन को करने का काम भी सेल करती है। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखे हैं स्लाइडर एंड श्वान का जो सेल थ्योरी जो उन्होंने प्रपोज की थी, उस सेल थ्योरी में यही था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सेल इज अ मेटाबॉलिक यूनिट, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय सेल। ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक, जो आपके मेटाबॉलिक में दोनों ही रिएक्शन आती है, दोनों ही रिएक्शन जो आपके सेल परफॉर्म करती है। इसके बाद सेल इज अ जेनेटिक यूनिट, क्यों, क्योंकि सेल के जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, तो सेल क्या हुई, एक जेनेटिक यूनिट हुई। लेकिन जो सेल थ्योरी का जो फोर्थ पॉइंट क्या था, न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या मीन्स है इसका, जो किसने दिया था कि तीन जो है वो स्लाइडर और श्वान ने दिए थे, लेकिन फोर्थ पॉइंट जो है रुडोल्फ विर्चो ने उसको नया जो थ्योरी है उसको प्रपोज करके दिया कि न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नई सेल जो बनती है वो पुरानी सेल से बनती है। तो नई सेल जब बनेगी, ये सिंगल सेल है और सिंगल सेल से जो नई सेल बनेगी तो वो पुरानी सेल से बनेगी। तो ये पुरानी सेल से किस तरह बनेगी, वो ही प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। कि न्यू सेल जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उनमें डिवाइडेशन होता है और डिवाइडेशन से न्यू सेल अराइज होती है। अब ये डिवाइडेशन किस तरह का होता है, और मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर ये डिवाइडेशन होता है तो क्या जरूरत है सेल को डिवाइड होने की, या नई सेल बनने की क्या जरूरत है, सेल को, हमारे बॉडी को क्यों नीड है नई सेल की, तो न्यू सेल की नीड क्यों होगी, क्यों हो। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे किसके लिए, ग्रोथ के लिए। हमारी जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, नई सेल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और अगर बाउंड हो जाते हैं, हमारे गांव वगैरह हो जाते हैं, तो उन गांव की मरम्मत के लिए भी हमें ये चाहिए, गांव को भरने के लिए भी हमें ये चाहिए। तो इस बाउंड के लिए भी चाहिए, ग्रोथ के लिए ये भी चाहिए। और अब जब पुरानी सेल हो जाती है तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी न्यू सेल की जरूरत रहेगी। तो ओल्ड सेल के रिप्लेस करने की जगह पर नई सेल लाने के लिए भी हमें सेल डिवीजन की जरूरत रहेगी। तो यहाँ पर जब अपन ग्रोथ लेते हैं कि ग्रोथ करने के लिए नई सेल की जरूरत होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम भी जहाँ से डेवलप हुए हैं वो वन सेल से डेवलप हुए हैं, और उस वन सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट में बार बार डिवीजन होता है और इस डिवीजन से हम क्या बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं। एक चार्ट है, उस चार्ट के जरिए हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि किस तरह की होती है। तो वन सेल है, जब डिवाइडेशन होती है इससे बहुत सारी सेल बनती है, सेम टाइप की सेल क्या कहलाती है, टिश्यू कहलाती है। यानी सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। जब अलग अलग तरह के टिश्यू आपस
में मिक्स हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ऑर्गन बना रही हूँ स्टोमक। इस स्टोमक की वॉल अलग तरह के टिश्यू की बनी हुई होती है, इसके अंदर अलग तरह की सेल्स होती है जो सिक्रीट करती है, एक्सियल सिक्रीट करती है। तो इसमें अलग अलग तरह की सेल्स या टिश्यू आ जाते हैं, तो अलग अलग तरह के टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब अपन ऑर्गन की बात करते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं, जस्ट लाइक अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम बात करें तो क्या होता है, माउथ, सेकंड बकल कैविटी, थर्ड ईसोफेगस, फोर्थ फैरिंग्स, फिफ्थ स्टोमक, सिक्स ड्यूओडेनम, सेवन स्मॉल इंटेस्टाइन, एट लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस करेक्टम और देन एनस। तो इतने सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जो केवल एक ही काम करता है, क्या है, अपना जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी जो बनती है ये कहाँ से, इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या है, सेल है। तो हम इस सेल में डिवीजन होगा तब बहुत सारे टिश्यू बनेंगे और टिश्यू बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यू बनेंगे, तब हमारे ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे तभी ऑर्गन सिस्टम होगा। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अलग अलग तरह के सिस्टम होंगे, तब हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो फंक्शन है ये मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए जरूरी है। जब सेल डिवाइड नहीं होगी तो टिश्यू नहीं बनेंगे, बहुत सारी सेल नहीं बनेगी, और बहुत सारी सेल नहीं बनेगी तो टिश्यू नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि आप सभी सेल डिवाइड होती है या कुछ ही सेल डिवाइड होती है। ठीक है, तो अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में दो तरह की सेल होती है, एक सेल जो डिवाइड होती है और दूसरी सेल जो होती है परमानेंट टिश्यू हो जाती है। शुरू शुरू में ये परमानेंट सेल जो है ये डिवाइड होती है, लेकिन धीरे धीरे ये डिवाइड होना बंद हो जाती है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, ये सारे क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं। लेकिन प्लांट में एक स्पेशल टिश्यू होता है जो ग्रोथ के, जो डिवाइडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और हम उस टिश्यू को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट में जो डिवाइडेशन पावर रखता है वो केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है, मेरिस्टेम जो होता है वो मेरिस्टेम ही डिवाइडेशन पावर रखता है, और बाकी सेल डिवाइडेशन पावर नहीं रखती। बाकी सेल क्या कहलाती है, परमानेंट सेल कहलाती है। ठीक है, तो प्लांट में लिमिटेड एरिया होता है जिसे अपन मेरिस्टेम कहते हैं, वो ही डिवाइडेशन पावर रखता है। अब एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह सभी एनिमल्स की बात करें, तो डिवाइडेशन पावर होता है जब भी एक सेल से दो सेल बनती है, ये सेल है, इससे दो सेल बनी, दो से चार बनती है। ठीक है, आज हम केवल थोड़ा सा जनरल पढ़ रहे हैं, कल से हम इस सेल डिवीजन को पूरा पढ़ेंगे। जनरल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाए सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, सेल डिवाइड इनटू टू सेल, तो ये सेल कहलाएगी इसकी पैरेंट सेल, और लास्ट ये टू सेल कहलाएगी इनकी डॉटर सेल। ठीक है, अब है कि सेल डिवीजन के लिए दो टाइप की सेल होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर टू टाइप की सेल होती है। अगर ह्यूमन बींग्स में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में कहें
तो टू टाइप्स की सेल होती है, एक होती है सोमेटिक सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल्स। एक होती है सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल्स और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। सोमेटिक सेल्स यानी जो मेन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर देख ले तो ओवरी या टेस्टिस, इनकी जो मदर सेल्स होती है वो उनको छोड़कर बॉडी की जितनी भी सेल है वो सभी क्या कहलाती है, सोमेटिक सेल कहलाती है। ठीक है, हम उन्हें क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल्स। जैसे हमारे हाथ की, पैरों की, सब जगह की जो सेल है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम अमीबा को देखें तो अमीबा केवल एक ही सेल से बना हुआ है, तो वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि केवल जनन अंगों को छोड़कर जो जेनेटिक पार्ट है, जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन मीन्स की मेन सेक्स ऑर्गन जैसे ओवरी और टेस्टिस को छोड़कर, उनकी सेल्स को छोड़कर जितनी भी सेल्स है वो सारी सेल्स क्या कहलाती है, सोमेटिक सेल्स कहलाती है। और सेक्स ऑर्गन्स की जो सेल है, ओवरी और टेस्टिस की जो सेल है वो क्या कहलाती है, जनरेटिव सेल्स कहलाती है। ठीक है, जनन अंगों की जो है वो जनरेटिव, जेनाइटल ऑर्गन्स जो भी है उनकी सेल जनरेटिव सेल्स कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो तरह के डिवीजन पढ़ेंगे, फर्स्ट मियोसिस और माइटोसिस। प्रोसेस क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम केवल इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस दो तरह की के जो हम पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है। माइटोसिस सेल डिवीजन, सेल जो होती है हमारी, हर सेल जो है वो टू एंड है। ठीक है, इस टू एंड सेल, टू एंड का मतलब होता है डिप्लॉइड, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हम क्या लिखते हैं, 2N = 46। क्या ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हम क्या लिखते हैं उन्हें, 2N = 46 यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये टू एन सेल जब डिवाइड होती है और दो सेल में डिवाइड होती है, तो डिवाइड होने के बाद इनकी डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुए, इसमें भी 2N होते हैं और इसमें भी 2N होते हैं, यानी कोई भी सोमेटिक सेल जब डिवाइड हुए और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वलेंट टू देयर मदर सेल इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, अगर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने जो पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल के इक्वलेंट होते हैं तो हम उसे कहते हैं माइटोसिस। एंड दैट कंडीशन मियोसिस, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, अपनी पेरेंट सेल से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, वो कहलाती है मियोसिस। मियोसिस मेनली जब गैमेट बनते हैं, तब गैमेट बनते हैं, जब मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं तब यूज में आता है मियोसिस, बाकी मियोसिस कभी भी नहीं होता। मियोसिस कब होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट जैसे एग या स्पर्म्स बनते हैं तब मियोसिस की रिएक्शन होती है, बाकी कभी भी रिएक्शन नहीं होती। हमारी ग्रोथ के लिए मोस्टली कौन है रेस्पॉन्सिबल, माइटोसिस। माइटोसिस जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक से दो, दो से चार, इतनी सारी सेल्स को जो बनाने का काम है वो माइटोसिस का है। मियोसिस ओनली जब गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट एग या स्पर्म्स बनते हैं तभी ये काम में आती है। अब हम आते हैं सेल डिवीजन में। एक और चीज मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि मेल जर्म से जो कि 2N होती है और फीमेल जर्म से जो भी क्या होती है 2N होती है। फीमेल जर्म से अभी मैंने कहा था ना ओनली जर्म सेल में मियोसिस होता है। ठीक है, और जनरेटिव सेल्स जो जेनाइटल ऑर्गन्स में होती है, फीमेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है।
तो मेल गैमेट बनता है जिसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ होते हैं, और फीमेल गैमेट एग बनता है जिसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन होते हैं। फिर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं हम उसे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और इससे टू एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट ही हमारे जो हमारा बनने जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बनने की सबसे पहली सेल है वो ये जाइगोट कहलाती है। ठीक है, तो जाइगोट क्या है, लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिप्रोडक्शन भी होना और ग्रोथ भी होना, ये सेल का फीचर है। अब हम आते हैं सेल डिवीजन में कि सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल हम ये कहे द होल लाइफ साइकिल ऑफ ए इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। कोई भी एक इंडिविजुअल सेल की पूरी लाइफ साइकिल की एक से वो दो में जब डिवाइड हो रही है तो उस पूरी लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। तो सेल साइकिल द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, द प्रोसेस ऑफ, हम दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल के अंदर वह प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स उसके अंदर इंक्लूड्स है। कौन कौन से इंक्लूड है, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, जीनोम का डुप्लीकेशन होना, यानी हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है, हमारे पास आरएनए है, हमारे पास हमारा प्रोटीन है, क्योंकि एक जब भी सेल डिवाइड होगी, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जब डिवाइड होना है, या हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ईद के दिनों में बकरे को हलाल करते हैं, है ना, तो उसके लिए पहले बकरे को क्या खिलाते हैं, बहुत बहुत खाना खिलाते हैं, है ना, और उसको मोटा ताजा बनाते हैं, यही चीज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम, यहाँ सेम प्रोसेस है, जब भी सेल को डिवाइड होना है, सेल क्या करेगी, सबसे पहले अपनी तैयारी करेगी कि उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस का मीन्स है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हम यहाँ पर तीन रिएक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे कि ऐसी रिएक्शन जहां पर जीनोम का डुप्लीकेशन होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद तीसरा हमारे पास प्रोसेस आएगा साइटोकाइनेसिस, जिसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर आपको सेल साइकिल की डेफिनेशन लिखनी है तो आप इस वाली डेफिनेशन को फॉलो करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इंक्लूड इम्पॉर्टेंट
इवेंट्स लाइक डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये सारे प्रोसेस पूरा मिलकर सेल साइकिल बनाते हैं। और हमने इस डेफिनेशन को लिखा है द होल लाइफ साइकिल ऑफ ए इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। हम अपने अगले वीडियो में सेल साइकिल को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।